अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज तारीख़ है 18 जुलाई 2020 और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे सुप्रीम कमेटी की जो हदायत दी गई थी कोरोना की सेफ्टी के हवाले से, उनकी खिलाफ वर्जी के बारे में। रिसेंटली 9 लोगों को जो है वो कोर्ट में पेश किया गया, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और वो रीज़न क्या थी और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, उन्होंने यानी उनके खिलाफ वर्जी की एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जुर्म किया है। और जुर्म क्या था कि पब्लिक गैदरिंग, उन वो लोग 9 लोग जो हैं उनको 12 जुलाई को पेश किया गया था, उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और उन्होंने इल्ज़ाम को जो है वो कबूल किया है कि वाकईता नहीं उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, और वो सज़ा के मुर्तकब हुए हैं। उनको 500 रियाल से 1000 रियाल का फ़ाइन होगा, उसके अलावा देकर अगर हो सकता है उनको जेल की सज़ा भी हो, वो अभी डिटेल जाना बाकी हैं। लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उनको मिनिमम 500 रियाल जो है जुर्माना होगा। और वो किस वजह से हुआ कि उन्होंने पब्लिक गैदरिंग, वो गैदरिंग जो है वो करते थे बहुत ज़्यादा, यानी कह लें कि जिस तरह 5 लोगों से ज़्यादा अगर आप गैदरिंग करेंगे तो आपको फ़ाइन होगा पर हेड 100 रियाल। और जो अगर आप किसी कोई अरेंज करते हैं पार्टी या कोई मीटिंग या कोई गैदरिंग, तो आपको जो है 1000 रियाल, इवन के 1500 रियाल तक या 500 रियाल जो है जुर्माना। डिफरेंट डिफरेंट नौईयत हैं, यानी मुख्तलिफ नौईयत के जो आप जिस तरह की खिलाफ वर्जी करेंगे उसी तरह फ़ाइन होगा। तो वो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो गैदरिंग की वजह से जो है उनको जुर्माने किए गए और वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अपना ख्याल रखें और कभी भी किसी भी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी मत करें। कानून एक्चुअली हमें तंग करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारी भलाई के लिए होते हैं। ऑलवेज़ फॉलो द रूल्स, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें, ना तो खुद गैदरिंग करें और ना ही किसी की गैदरिंग में शामिल हों। ऐसा नहीं है कि किसी ने पार्टी दी तो आप बोलें चलें जी वो पार्टी देने वाला है, सारा कुछ उसी को होगा, या उसने गैदरिंग की या उसने दोस्त अहबाब को बुलाया है या उसने ये किया वो किया, इकट्ठा किया लोगों को, सिर्फ वही फेस करेगा, बल्कि जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी फाइन होगा। इंशाल्लाह खैर, किसी भी ऐसे अमल से बचें, ना इसलिए नहीं कि आपके पैसे बचेंगे, अगर आप नहीं जाएंगे पकड़े नहीं जाएंगे फाइन नहीं होगा तो आपके पैसे बचेंगे, बल्कि ये आपकी इज्जत भी बचेगी और आपकी सेहत बचेगी। क्योंकि कोरोना जो है वो कहते हैं जी गैदरिंग जो है वो बहुत गैदरिंग के दौरान जो है वो फैलता है, यानी ह्यूमन इंटैक्ट, जिन्ना असी लोग एक दूसरे ना मिलना जुलाएंगे, जिन्ना एक दूसरे करीब रहेंगे, स्पेशली अननोन पीपल या जिनके साथ आपका रोज़ का मिलना नहीं है। फैमिलीज़ में तो आप एक जगह पर रहते हैं, सो यू आर ऑल आर ओके, यू आर ऑन सेम प्लेस। इसी तरह फ्रेंड्स जो रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनको भी एहतियात करनी चाहिए, वो लोग स्पेशली उनको एहतियात करनी चाहिए जो डिफरेंट जगहों पर काम करते हैं और शाम को रात को एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं। उनको अपनी सफाई सुथराई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कहीं से भी किसी को भी जो है वो कोरोना की शिकायत हो सकती है। और जब वापस आके अपने दोस्त अहबाब से मिलेंगे तो उनको भी हो सकती है। हमेशा जो है आप कहीं भी जाएँ, कहीं भी काम करते हो, अपना ख्याल रखें, सफाई का ज़रूर ख्याल रखिएगा, सफाई निस्फ ईमान है, देर इज़ नो डाउट। इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, दोस्त सब आपका ख्याल रखें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।